रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा। इन दिनों प्रदेश में नशे के कारोबारी बड़े पैमाने पर न सिर्फ नशे का कारोबार चला रहे हैं, बल्कि बिना पुलिस के खौफ खाए बड़ी मात्रा में बाहर से गांजा तस्करी करने में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। ऐसी एक खबर प्रदेश के दमोह जिले से सामने आई, जहां पुलिस को एक गांजा तस्कर गिरोह पकड़ने में सफलता हाथ लगी। दरअसल मुखबिर की सूचना पर तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बंधना सेलबड़ा के जंगलों में एक अर्टिगा गाड़ी गांजा तस्करी कर रही थी। पुलिस तत्परता दिखाते हुए रात 1 बजे मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने अर्टिगा गाड़ी के साथ जीवन अहिरवार को हिरासत में लिया, जबकि उसके अन्य साथी पवन ठाकुर और धर्मेंद्र पटेल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। इनके पास से 60 किलो गांजा, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा तेजगढ़ पुलिस ने भी इसी रात बस स्टैंड के पास रात करीब 1 बजे मुखबिर की सूचना पर जब अर्टिगा गाड़ी को रोका, तो 2 आरोपी सरवन पटेल और लकी रजक पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इनके पास से 40 किलो गांजा बरामद हुआ। यह सभी आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर यहां सप्लाई करते थे। आरोपी सरवन ग्राम सुकम्बा थाना छतरपुर जिले का रहने वाला है, जो वर्तमान में दमोह जिले में रहता है। वहीं दूसरा आरोपी लकी रजक खजरी मोहल्ला वार्ड नंबर 9 का निवासी बताया जा रहा है। यह लगातार अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लाकर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 4/5/12/21 की रात में मुखबिर की सूचना के आधार पर 27 मील पर वाहन चेकिंग की गई, जिसमें एक इर्टिगा गाड़ी DL2CAS 5519 को रोका गया, जो पुलिस को देखकर सेलवाड़ा तरफ भागा था और जिसका पीछा किया गया था। ये गाड़ी बदला के जंगल में ले गया, यहाँ पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। इस गाड़ी में 3 लोग थे, जिसे एक जीवन अहिरवार को मौके पर पकड़ लिया गया। उसके साथ 2 और लोग थे, पवन ठाकुर और धर्मेंद्र पटेल। ये अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। गाड़ी की इर्टिगा गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 60 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें 8/20 NDPS के एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को आज ही न्यायालय पेश किया जा रहा है। और तेजगढ़ में भी मुखबिर की सूचना के आधार पर बस स्टैंड पर वाहन चेकिंग की गई थी और उसमें एक इर्टिगा कार जब्त की गई है और उसमें 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें गाड़ी में 2 लोग थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ 8/20 NDPS के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। दमोह से विशाल रजक, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।